हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली वो अपडेट आ चुका है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, iOS 17.3 स्टेबल अपडेट। जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये कल अपडेट आ गया, तो यहाँ पर टाइम पे अपडेट जो रात को ही आ गया था वैसे, बट यहाँ पर मैंने कहा सुबह वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पर इस अपडेट का जो साइज है 770.2 MB का है। मेरे आईफोन 15 में, पहले 15 में यूज़ करूँगा, उसके बाद 14 में डालूंगा, और 13 में तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके बाद डालूंगा जो है 12 में। तो यहाँ पर इस अपडेट का साइज आप लोग देख लीजिए। अभी इस अपडेट को मत कीजिएगा गाइस, वीडियो देखते देखते मैं आपको सबसे पहले यही वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी अपडेट मत कीजिएगा। यहाँ पर कुछ जो है चीज़ें नोटिस किए वो मैं आप लोगों तक अभी बताने वाला हूँ, तो आप लोग अभी रुक जाइए प्लीज़। तो यहाँ पर इस अपडेट का साइज 770.2 MB, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं है। दिस अपडेट इंट्रोड्यूसेस एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स विद स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। दिस रिलीज ऑल्सो इंक्लूड्स अ न्यू यूनिटी वॉलपेपर टू ऑनर ब्लैक हिस्ट्री एंड कल्चर इन सेलिब्रेशन ऑफ ब्लैक हिस्ट्री मंथ एज वेल एज अदर फीचर्स, बग फिक्सेस एंड सिक्योरिटी अपडेट्स फॉर योर आईफोन। यहाँ पर दो चीज़ें नहीं हैं, एक आपको स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का एक नया, एक बहुत ही तगड़ा वाला फीचर मिलता है, और दूसरा एक नया वॉलपेपर। बाकी यहाँ पर कुछ नया नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला नया क्या है, ये वॉलपेपर है। उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ। 17.2.1 स्टेबल अपडेट चल रहा था पहले, जिसका बिल्ड नंबर था 21C66, एंड यहाँ पर अपडेट से पहले जो 17.2.1 का यहाँ पर अवेलेबल स्पेस था मेरे आईफोन 15 में, वो था 81.84 GB, एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मॉडेम फर्मवेयर तो वो था 1.22.05। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर iOS अपना आईफोन स्टोरेज की, तो आप लोग देख सकते हैं iOS 17.2.1 का जो डाटा था वो था 11.24 GB, एंड सिस्टम डाटा था 5.76 GB का। अभी यहाँ पर गाइस जो है अपडेट से पहले बैटरी हेल्थ तो 100% थी। एंड यहाँ पर जो है गाइस अगर मैं बात करूँ नया क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर नया क्या है आप लोगों को मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर पहले आपको जो है एक नया बिल्ड नंबर देखने को मिलता है जो कि है 21D50, एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अवेलेबल स्पेस की 81.8 GB है। पहले कितना था यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 81.8 है, और यहाँ पर अभी सेम टू सेम, यहाँ पर कोई भी खास चेंजेस है नहीं, 81.84 GB है, एंड यहाँ पर अभी कितना है 81.8, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है, तो यहाँ पर हो सकता है बाद में और हमें एक्स्ट्रा जो देखने को मिल जाए। बात करें मॉडेम फर्मवेयर, तो यहाँ पर आपको पूरा एक नया मॉडेम फर्मवेयर देखने को मिलता है जिसका है 1.40.01। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कनेक्टिविटी का जो इशू हो सकता था वो एप्पल यहाँ पर हो सकता है एप्पल जो है फिक्स कर देते, यहाँ पर जो नेटवर्क का प्रॉब्लम हम लोगों को जो है फिक्स करने को पड़ रहा था, कॉल करते करते टाइम जो है फ़ोन कट जा रहा था, नेटवर्क नहीं आ रहे थे। देखते हैं कैसा जो है सीन रहता है, वो तो आपको दो दिन के बाद ही रिव्यू वाली वीडियो लाऊंगा तभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ iOS 17.3 डाटा का, तो 11.25 GB है, सिस्टम डाटा 6.04, तो थोड़ा सा माइनर चेंज है, बाकी कुछ खास चेंजेस यहाँ पर है नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर नया आपको क्या मिलता है, तो यह नया मिलता है यहाँ पर आपको एक ये नया वॉलपेपर जो कि यूनिटी वाला है। यहाँ पर आपको जो है प्लस आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप जाएंगे यूनिटी बैलून में, तो आपको कुछ इस तरह से जो है एक यूनिटी, एंड यहाँ पर रेड, एंड यहाँ पर ये ग्रीन, यहाँ पर ये मल्टी कलर, एंड यहाँ पर ये ब्लैक, ये कुछ नया वॉलपेपर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब क्या है नया यहाँ पर, स्टोलन डिवाइस का क्या सीन है, चलिए वो भी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जाएंगे सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है फेस आईडी एंड पासवर्ड में। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपने आईफोन का जो पासवर्ड है वो एंटर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिलता है, क्या मिलता है, स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का ये टर्न ऑन अगर आप इसको कर लेते हैं, तो मान लीजिए आपका कोई आईफोन चुरा लेता है, आपको उसका अपना पासवर्ड भी पता है, बट अगर आपके आईफोन में फेस आईडी लगा हुआ है तो वो आपका पासवर्ड नहीं चेंज कर पाएगा विदाउट फेस आईडी, सीन ये है। तो यहाँ पर जितने भी पासवर्ड है वो आपके सिक्योर रहेंगे, जब तक आप अपने आईफोन में फेस आईडी नहीं डालेंगे तब तक वो पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये कितने काम का है आप अपने हिसाब से जो अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे तो ये बहुत ही काम की चीज़ है मेरे हिसाब से, मेरे लिए भी, और आपको भी इसको ऑन करके रखना चाहिए, अगर आपका आईफोन चोरी हो जाता है तो वो इजीली पासवर्ड जो है चेंज नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक और नई चीज़ है, जब आप अगर आप एप्पल म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर व्हाट्स न्यू में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कोलाबरेट ऑन प्लेलिस्ट, इनवाइट फ्रेंड्स एंड एवरीवन कैन ऐड सॉन्ग्स, रिएक्ट एंड रीऑर्डर द म्यूजिक, तो अपने फ्रेंड्स के साथ कोलाबरेट कर सकते हैं और इमोजी जो है रिएक्शन दे सकते हैं गाने पे कि मज़ा आ रहा है गाने सुनने में, तो अपने हिसाब से इमोजी जो है वो सेंड कर सकते हैं। बाकी मैं तो ये यूज़ करता हूँ और मुझे ये गाइस जो है बहुत प्यारा लगता है एप्पल म्यूजिक, यहाँ पर मैं काफ़ी सारे जो है भजन वगैरह और गीत वगैरह गाने वगैरह सुनता रहता हूँ, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यही थी नई चीज़ें। अब बात करते हैं गाइस बैटरी लाइफ का क्या सीन है, तो यहाँ पर बैटरी हेल्थ में जाएंगे, चेक करेंगे बैटरी हेल्थ ड्रॉप तो नहीं हुई है, तो यहाँ पर देख लीजिए बैटरी हेल्थ 100% है, पहले भी थी अभी भी है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैटरी बैकअप कैसा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अभी से प्लान कर लिया है, अभी 8:45 पर 20 मिनट पहले दिख रहा है आपको 80% चार्ज किया है, 30% तक, यानी कि जो है 80% चार्ज किया है, 30% तक जाएगी, तब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, देखूंगा कि इसकी जो नॉर्मल बैटरी है जिससे कि हम बोलते हैं 30 से 80 के बीच में इसको यूज़ करना चाहिए, तो 50% बैटरी होगी ना,
तो देखते हैं इसका बैटरी बैकअप कैसा है, तो मैं 2 दिन के बाद बताऊंगा। अब बात करते हैं मेन चीज़ में, आपको मना क्यों कर रहे हैं इस अपडेट को करने के लिए। इसका रीज़न आप लोगों को मैं आपको बता देता हूँ। गीकबेंच स्कोर यहाँ पर मैंने अभी जो चेक किए वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है गाइज। यहाँ पर आप देखेंगे सीपीयू बेंचमार्क्स में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, लास्ट मैंने 6 जनवरी को किया था, ठीक है, और अभी किया है 23 जनवरी को, यानी कि आज। तो यहाँ पर कितना फ़र्क है ये आप लोग देखिए। पहले था गाइज सिंगल कोर 2570 और मल्टी कोर था 6524, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2500 से डायरेक्ट आ गया 2352 पे, और मल्टी कोर यहाँ पर 5665। यहाँ पर डायरेक्ट जो है आप कितना फ़र्क है आप लोग देख रहे हैं, 1000 नंबर का फ़र्क है। 6524 था, अभी 5665 आ गया है। यहाँ पर 2570 था, यहाँ पर 2352 आ गया है। तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन होने वाली है गाइज, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा। जीपीयू बेंचमार्क्स में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए 6 जनवरी को कितना था, 23002। ये अपडेट क्या था, iOS 17.2.1, ठीक है। एंड यहाँ पर आज का देखिए 22852, तो यहाँ पर भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर है वो कम देखने, पहले 23000 था अभी 22000 है, 800 है, तो यहाँ पर 200-250 नंबर जो है वो आपको कम ही देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 17.3 की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने वाली है, इसीलिए गाइस मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ इस अपडेट को करने से। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको मैं दोबारा से जो है रिव्यू करूँगा। सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए, आज का पूरा दिन और कल शाम तक मैं वीडियो आपको जो है पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दे दूँ इसका रिव्यू करके अपने iPhone 15 पे। एंड अगर आपके पास iPhone 14 है गाइस, तो यहाँ पर आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, अपने iPhone 14 पर भी सेम अपडेट जो है वो डाउनलोड करने वाला, इंस्टॉल करके आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सीन रहता है आईफोन 14 पर। तो यहाँ पर आप लोग जो है 14 की भी वीडियो जो है बहुत ही जल्दी मिलने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि जब वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। सो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।